Bandhu, mere liye ek chai please. आप तो घबराई गई. कौन है तुम? तबियत वगैरह तो होता ही रहेगा. फिलहाल अब मुझे ये बताएं कि आपके साथ माचिस होगी. मेरी माचिस बारिश में सिल गई है और मुझे सिगरेट की शदीद ख्वाहिश हो रही है. तुम हो कौन? आए कहाँ से हो? क्यों आए हो? आपने मेरी दरख्वास्त पर गौर करने के बजाय अपने सवाल आपने दो का इजाफा कर दिया. आखिर तुम हो कौन? एक ही सवाल बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं होगा. जब तक मुझे मेरी माचिस नहीं मिल जाती आपकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा. नहीं है मेरे पास माचिस. तो ऐसे बोलो ना. ये तुम क्या कर रहे हो? तो तुम सवाल बहुत पूछती. देखने के लिए क्या कर? तुम चाहते क्या हो? बताते क्यों नहीं? सिर्फ एक माचिस ही तो चाहता था. वो भी आपने नहीं दी. और मैं आपको क्या बताऊं? ये मजाक का वक्त नहीं है. मुझे पता करना है तुम इस वक्त मेरे बारे में क्या कर रहे हो. तुम आए कैसे? अगर आप इत्मीनान से बैठकर बात करने को तैयार हैं तो मैं आपके सारे सवाल के जवाब. अजीब आदमी हो. नहीं करनी बात. फिर तो नामुमकिन है. ये इसमें क्या लिखा हुआ ड्रामा फिल्म थी है? आप सीधे सीधे जाते हैं या नहीं? तो बुलाओ मैं नौकरों को ताकि वो घर से निकाल के फेंकें. घर जाने नहीं दूँ. मैं चीख कर डैडी को बुला लूंगी. बारिश भी बहुत तेज है और बिजली की गर्जन भी जोर पर. आपकी आवाज आपके बाद देखूंगी. आए हैं, क्यों आए हैं और किस तरह आए? अब ठीक है, मैं जो कहूँ उस पर अमल कीजिए. फिर मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार. बोलिए, मंजूर है आपको? जी. अपनी परेशानी दूर कर लीजिए. जी अभी थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते हैं. इस तरह आपका खौफ और राज भी खत्म हो जाएगा. फिर मैं आपके सारे सवालों के जवाब देता हूँ. जी हाँ. तो अब इस मेरे का कौन सा ड्रामा पढ़ रही थी? उन्वान क्या है उसका?
अनुमान चोर अजीब इत्तेफाक है, प्लॉट क्या है? तूफानी रात है और एक नौजवान लड़का एक नौजवान लड़की कमरे में दाखिल हो जाता है। उसके बाद फिर वो उससे डरी सहमी बातें करने लगती है। मेरा ख्याल है वो उसके बाद उसके कमरे में चोरी नहीं कर सकी। तो वो लड़की जाग उठी। अच्छा ये सब बातें छोड़ा, मुझे पता है कौन कहाँ से आए क्यों आए। डैडी खुदा रहा आप मुझे परेशान ना करें, आप चले जाए यहाँ से, ऐसी बातें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे जो हासिल करना था मैं कर चुका। क्या हासिल करना था? जो हासिल करने आया था। यानी बाजी चाय आइए। ये है मेरे नौकर मंगू, इनको अगर मैं कहूँ तो आपकी गर्दन पकड़ के घर से बाहर निकाल सकते हैं आपको। मंगू इतना बदतमीज नहीं है कि वो अपने घर आए हुए मेहमान की सेहत ना नसीबा सुलूक करे, वो ऐसा नहीं करे। वो ऐसा नहीं करेगा? मेरे ख्याल से वो आपके डैडी के पास फौरन भागता हुआ जाएगा और उनको जाके बोलेगा कि आपकी बेटी का दिमाग खराब हो गया सरकार। क्यों मंगू? जी सरकार। क्या जी सरकार? तुम चाय बनाओ और आप चाय पी के फौरन घर से चले जाइएगा। यही कि मैं ममदू से गर्दन पकड़वा के घर से बाहर निकलवा दूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर सकती? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसलिए चाय पी के मैं खुद ही चला जाऊंगा। अच्छी बात है, पहली दफा आपने शरीफ होने का सबूत दिया है। शुक्रिया। तुम मेरे मुझे समझे। तुम जाओ ना यहाँ से। और कुछ मिली? जाओ ना, बोला जाओ। आप भी पीएंगे चाय? जी नहीं। मैं जाने वाला हूँ। और आपके पास हूँ, शायद इसके बाद फिर कभी ना मिल सके, एक दूसरे को ना देख सके। आपने चाहा ही कब? आपने भी तो नहीं बताया कि आप हैं कौन, मेरा भाई कहाँ से। अगर आप इसका जिक्र किसी से ना करें तो मैं बता सकता हूँ। आपको गलत फहमी है, मैं आपको इतनी अहमियत नहीं देती कि आप हर किसी से आपका जिक्र करती रहो। मुझे क्या? तो फिर मैं बता दूं? देखिए मैं ड्रामे लिखता हूँ। मेरा एक ड्रामा है जिसका पहला मंजर यह है कि जिसमें एक नौजवान एक गैर आबाद इलाके में एक गैर घर में दाखिल होता है। रात का वक्त है, शदीद बारिश हो रही है, उस नौजवान को सिगरेट की शदीद तलब हो रही है। वो माचिस की तलाश में उस घर में दाखिल होता है लेकिन उसे वहाँ एक लड़की मिलती है। वो उस लड़की से काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करता है वगैरह वगैरह। बस सिर्फ इतनी सी बात थी कि मेरे डायरेक्टर ने मुझसे बोला कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक अजनबी लड़का एक नौजवान लड़की के कमरे में बैठ कर उससे इतनी देर तक बातें कर सके। उसका ख्याल था कि वो लड़की शोर मचाएगी और लोगों को जमा कर लेगी लेकिन मैंने उससे कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं। और आज रात जब बारिश हुई तो मैं घर से निकल पड़ा ताकि ज़ाती तौर पर इसका तजुर्बा कर सकूँ और आपके कमरे से आती हुई रोशनी को देख कर मैंने चुपके से झाँका। और सच बताता हूँ आपको और इस कमरे को देखकर मुझे अपने ड्रामे का कमरा याद आ गया।
मैंने चुपके से दरवाजा खोला और अंदर आ गया। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। मुझे लगता है वो डैडी के पास जाएगा। हम तुम क्यों क्या?